Assalamu alaikum student, hope you are all fine. Today we will discuss the topic how to write the IUPAC names of the complex compound. This is the topic from chapter number 5, D block elements. Let's start the topic. Before starting the main topic, we will discuss some terminologies. Like you can see here in the slide number 2, I have marked with the red marker complex ligands as well as coordination compounds, and the fourth term we will discuss is the coordination number. ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होता है. आप देखें अगर कि ये एक कॉम्प्लेक्स या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक बात याद रखनी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोले हैं, दोनों एक ही नाम है, दोनों बोथ आर सेम. सो ये है कि हमें कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ पर नज़र आ रहा है. ठीक है, और इस जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा उसमें हमेशा एक ब्रैकेट पार्ट ज़रूर प्रेजेंट होगा. अगर हम इस ब्रैकेट पार्ट को देखें, इसकी थोड़ी सी स्टडी करें, तो हमें नज़र आता है कि ये जो ब्रैकेट पार्ट की जो इनसाइड है उसमें एक सेंटर में मेटल एटम है और मेटल एटम सराउंड हुआ हुआ है कुछ अदर सब्सटेंसेस से. ये जो सब्सटेंस है बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये मेटल एटम जो सेंटर के अंदर है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है. हम देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंगल लाइन है, यहाँ पे ये डिनोट करी है कि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड हो रहा है फ्रॉम NH3 टू दी कोबाल्ट मेटल एटम. तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है उसको कहते हैं लिगेंड कहते हैं. लिगेंड को हम डोनर भी कह सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करा, और जो सेंट्रल मेटल एटम है उसको हम एक्सेप्टर कह सकते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करा है, एक्सेप्ट करा. तो हम इसको लेविस एसिड भी बोल सकते हैं क्योंकि लेविस एसिड वो होता है जो एक्सेप्ट करता है, और इसको हम लेविस बेस बोल सकते हैं NH3 को, लिगेंड को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करा. तो हमने ये लर्न किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक ब्रैकेट पार्ट ज़रूर होता है, और उस ब्रैकेट पार्ट के अंदर एक मेटल एटम होता है जो सराउंड हुआ हुआ होता है लिगेंड से. ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट पार्ट है बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं. कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा यू कैन से सब्सटेंस कि जिसमें मेटल एटम सेंटर में प्रेजेंट है और वो सराउंड हुआ हुआ है बाय लिगेंड्स, उस पार्ट को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स. जब भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स का वर्ड आएगा तो मतलब ये होगा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेटल एटम है और वो सराउंड हुआ हुआ है बाय द हेल्प ऑफ द लिगेंड्स. थोड़ी एक बात ये ज़रूर याद रखनी है लिगेंड के बारे में कि लिगेंड पे सिर्फ या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है, लिगेंड पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता क्योंकि लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना. तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनेट कर रहा है इसका मतलब है उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर होने चाहिए. अब अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसका मतलब ये होगा कि इट हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल इट कैन एक्ट एज अ डोनर. सो वी हैव टू रिमेंबर के लिगेंड इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है, और नंबर 2 पॉइंट जो रखना है लिगेंड के बारे में, या तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है, इसके अलावा इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता. लेकिन ये जो हमारे पास हम ये देख सकते हैं, ये जो हमें मेटल एटम सेंटर में नज़र आ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल चार्ज भी हो सकता है. सो हमने लर्न किया कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, और ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ज़रूर जो होता है वो एक ब्रैकेट प्रेजेंट होता है, उस ब्रैकेट को हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं. कॉम्प्लेक्स क्या होता है हमने ये भी डिस्कस कर लिया, लिगेंड क्या होता है भी डिस्कस कर लिया. थोड़ी डेफिनेशन पर आ जाएं कि कॉम्प्लेक्स इज अ सब्सटेंस इन विच एन मेटल एटम और आयन इज एसोसिएटेड विद अ ग्रुप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एन आयन कॉल्ड द लिगेंड. कि कॉम्प्लेक्स एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मेटल कॉम्प्लेक्स, दिस इज द कॉम्प्लेक्स जिसमें एक मेटल एटम सराउंड हुआ हुआ होता है बाय द हेल्प ऑफ द ग्रुप ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और एन आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स कहते हैं. क्योंकि यहाँ पे भी देखें क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ न्यूट्रल, मतलब बताया जा रहा है लिगेंड क्या हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है या एन आयन हो सकता है, मतलब नेगेटिव हो सकता है. उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, आर न्यूट्रल सब्सटेंसेज इन विच एटलीस्ट वन आयन इज प्रेजेंट एज अ कॉम्प्लेक्स, जिसमें ज़रूर एक कॉम्प्लेक्स पार्ट प्रेजेंट हो. ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जो नज़र आ रहा है हमें, दिस इज होल कॉल कॉम्प्लेक्स. एक कॉर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो है कि जिसमें ज़रूर एक पार्ट कॉम्प्लेक्स ज़रूर प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉर्डिनेशन कंपाउंड बोल रहे हैं. लिगेंड क्लियर है, लिगेंड जो होता है वो जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पर टू द मेटल एटम, और लिगेंड पर नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज हो सकता है. एक चीज़ और होती है जो इस स्लाइड में मैंशन नहीं है, जिसको हम कहते हैं कॉर्डिनेशन नंबर. कॉर्डिनेशन नंबर बेसिकली ये होता है
कि मेटल एटम कितने लिगेंड से सराउंड है। ठीक है, अब अगर हम फॉर एग्जांपल इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखें तो ये जो मेटल एटम कोबाल्ट है ये 6 लिगेंड से सराउंड है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6। तो इस मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा? 6। अगर ये 5 अमाइन से सराउंड होता है, NH3 से सराउंड होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता? 5 होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली डिनोट करता है कि मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से सराउंड है। ठीक है, सो व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर? सो द सराउंडिंग ऑफ दी हाउ मेनी लिगेंड सराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, दिस इज़ कॉल्ड योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर इस कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? 6 कहलाएगा। क्यों? क्योंकि 6 लिगेंड से ये क्या है? सराउंड है। सो नाउ इट इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज़ लिगेंड, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। आगे आ जाते हैं स्लाइड पर। इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है लिगेंड की कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगर हम यहाँ देखें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का मतलब ऐसी केमिस्ट्री जिसमें हम कॉम्प्लेक्स की स्टडी करें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी करें, उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लिगेंड इज़ एन आयन और मॉलिक्यूल। लिगेंड जो है वो क्या है? आयन है या मॉलिक्यूल है। यहाँ पर आयन से मुराद क्या होगा? नेगेटिव होगा। और या मॉलिक्यूल मीन्स न्यूट्रल, इट बाइंड टू द सेंट्रल मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो सेंट्रल मेटल एटम को जो है वो से बाइंड होता है और कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, मतलब ब्रैकेट पार्ट फॉर्म करता है। द बॉन्डिंग विद द मेटल जनरली इन्वॉल्व फॉर्मल डोनेशन ऑफ द वन और मोर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। के जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करता है तो वो एक या एक से ज़्यादा भी जो होता है इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर देता है। नॉट नेसेसरी कि वो एक इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा, वो 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, वो 3 भी कर सकता है, 4, 5 और 6 भी डोनेट कर सकता है। सो यू कैन सी अगेन हियर कि यहाँ पे ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें ये पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और ये जो NH3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिगेंड। आ जाते हैं अब टाइप्स ऑफ द लिगेंड पर। अभी हमने डिस्कस किया कि नॉट नेसेसरी कि लिगेंड 1 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करे, वो मोर देन 1 भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। तो अगर हम इस स्लाइड नंबर 4 में देखें कि ये N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ये N जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लिगेंड को, लिगेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो M है यहाँ पे वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मेटल एटम को। तो N क्या कर रहा है यहाँ पे? ये हमें नज़र आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये लिगेंड के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम। तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट? ओनली 1। तो इस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे? मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनो का मतलब होता है सिंगल, 1, तो ये कहलाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, अब कुछ ऐसे लिगेंड भी होते हैं जो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। लाइक यू कैन सी हियर कि ये एक पूरा लिगेंड है और इस लिगेंड में बेसिकली क्या होगा? 2 ऐसे एटम होंगे जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है किसको? इस मेटल एटम को। तो ऐसे लिगेंड को क्या बोलेंगे? बाय डेंटेड लिगेंड बोलेंगे। बाय का मतलब होता है 2। ठीक है, इस तरह से वो 3 इलेक्ट्रॉन पर भी डोनेट हो सकते हैं, तो उसको ट्राइडेंटेड बोलेंगे। मोस्टली क्या है कि जो लिगेंड की क्लासिफिकेशन है वो इस पर है कि एक तो वो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन पर डोनेट कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे मोनोडेंटेड, बाकी जो मोर देन 1 करते हैं तो उसके लिए एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं पॉलीडेंटेड। अब उसमें ये बायडेंटेड भी आ सकता है, उसमें ट्राइडेंटेड भी हो सकता है, टेट्राडेंटेड भी हो सकता है, पेंटाडेंटेड भी हो सकता है, और हेक्साडेंटेड लिगेंड भी हो सकता है। तो ये थी क्लासिफिकेशन लिगेंड की। स्लाइड नंबर 4 वी हैव डिस्कस टाइप्स ऑफ द लिगेंड। ठीक है, और अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ द लिगेंड क्या होती हैं। स्लाइड नंबर 5 में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मोनोडेंटेड लिगेंड है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसकी क्या है? कुछ क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ उसकी नेचर पर कि ये या तो हो सकते हैं ऑर्गेनिक या ये क्या हो सकते हैं? इनऑर्गेनिक लिगेंड हो सकता है। ठीक है, सो मोनोडेंटेड लिगेंड 2 टाइप का हो सकता है, एक ऑर्गेनिक हो सकता है और एक इनऑर्गेनिक हो सकता है। ऑर्गेनिक जो है वो सिर्फ न्यूट्रल होगा, उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन जो इनऑर्गेनिक लिगेंड है वो नेगेटिव भी हो सकता है, एनायनिक मींस
या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हम इस पूरे टेबल को हम ये देख रहे हैं, या आपने याद करना होगा कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उनके आईयूपीएसी नेम को लिखने के लिए हमें टेबल ज़रूर याद करना होगा। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक Br-1 से लेके एसीटेट तक नज़र आ रहे हैं, ये सारे यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ये जो है वो इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड है। यू कैन सी हियर इन सब पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे इनऑर्गेनिक एनायनिक लिगेंड। ये वाले जो हमें लिगेंड नज़र आ रहे हैं NH3 से लेकर N2 तक, ये जितने भी सारे हैं ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रल लिगेंड है, इन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। और ये जो दो लिगेंड नज़र आ रहे हैं ये ऑर्गेनिक हैं जो न्यूट्रल है, इन पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन के मोनोडेंटेड लिगेंड जो है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक न्यूट्रल होगा हमेशा, और इनऑर्गेनिक जो होता है वो एनायनिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। एंड यू हैव टू मेमोराइज दिस होल टेबल, अगर ये टेबल याद होगा सो वी कैन ईजिली राइट द आयोपिक नेम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। स्टार्ट करते हैं रूल्स। रूल से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यहाँ पर क्लियर कर ली हैं, जो बेसिक थी, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिगेंड्स की कितनी टाइप्स होती हैं। इसके अलावा जो मोनोडेंटेड लिगेंड है वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक दो फॉर्म में होगा, अगर होगा तो या तो नेगेटिव या उस पर न्यूट्रल चार्ज होगा, जबकि ऑर्गेनिक जो होगा वो न्यूट्रल होगा। स्लाइड नंबर 7 में हम डिस्कस ये करते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स है उस पर क्या क्या चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं स्लाइड नंबर 7। सबसे पहली चीज़ तो ये हम देखें, पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पर क्या क्या चार्ज हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें तो ये एक पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स है ब्रैकेट वाला पार्ट, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज वाले पार्ट को समझते हम ऐसे सकते हैं कि जिस तरह से आयनिक कंपाउंड के अंदर कैटाइन और एनायन पार्ट होता है, कैटाइन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। जैसे टेबल सॉल्ट की आसान से एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, उसमें सोडियम कैटाइन है और क्लोराइड एनायन है, तो सोडियम को हम पहले लिखते हैं एज अ कैटाइन और क्लोराइड को हम बाद में लिखते हैं एज एनायन। बिल्कुल इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटाइन को पहले लिखा जाता है, एनायन को बाद में लिखा जाता है। यू कैन सी हियर यहाँ पे कैटाइन वाला पार्ट जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो पहले लिखा गया है, और ये एनायन है सल्फेट जिसको बाद में लिखा गया। हम ये डिस्कस करते हैं इस कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज प्रेजेंट है। ये हमारे पास सल्फेट है, यू नो सल्फेट पे -2 चार्ज होता है। जो टेबल आपको पहले प्रोवाइड किया गया था उसमें रेडिकल्स गिवन थे, उसमें एनायन गिवन थे जिस पे चार्ज गिवन था, उसमें ऑलरेडी मैंशन है सल्फेट पे -2 का चार्ज होता है। जब ये मतलब ये है कि ये एनायन होगा ओबियसली, तो ये क्या होना चाहिए, कैटाइन होना चाहिए। और जब क्योंकि सोडियम क्लोराइड में सोडियम पे +1 का चार्ज होता है और क्लोराइड पे माइनस का चार्ज होता है, और दोनों एक कंपाउंड को न्यूट्रल बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब इसमें -2 का चार्ज है तो इस पूरे, और यहाँ पे भी ये मेंशन है कि सल्फेट पे -2 का चार्ज है, तो इस पूरे कैटाइन पार्ट पर +2 का चार्ज होना चाहिए, ताकि इन ऑर्डर टू मेक दिस होल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड न्यूट्रल। ओके, क्लियर टू यू कि कॉम्प्लेक्स, एक पॉइंट हमने ये क्लियर किया यहाँ पर कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पॉइंट पर कि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें ये जो मेटल एटम है कोबाल्ट, इस पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई है। अब हम ये देखें कि सल्फेट पर -2 का चार्ज है और इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर +2 का चार्ज है, तो कोबाल्ट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। तो ऐसे हम सबसे पहले हम जितने भी ब्रैकेट पार्ट के अंदर जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उनके हम ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करते हैं। NH3 अमाइन, ये इनऑर्गेनिक है और न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है तो उस पर न्यूट्रल है तो उस पर चार्ज होगी 0, और ब्रोमो जो है उस पर चार्ज होता है -1, तो -1 इस पे चार्ज है, ये 0 है, तो हम क्या कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन ऐसे पुट करें इधर कि जिससे आंसर +2 आए। तो ओबियसली अगर हम +3 पुट करेंगे और +3 से -1 करेंगे तो यू गेट द आंसर +2। सो इस तरह से कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है यहाँ पे +3। तो दो पॉइंट यहाँ पर क्लियर करें हमने कि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हमने फाइंड आउट किया यहाँ पे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस भी हो सकता है, वो कैटाइनिक भी हो सकता है। इस तरह से ये जो कंपाउंड है 2,
ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, लेकिन इस पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल है। इस तरह का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या है, न्यूट्रल है। इसमें और इसमें ये फ़र्क है कि इसमें कैटाइन था और एनाइन था। इसके अंदर कोई कैटाइन एनाइन नहीं है और ये पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा न्यूट्रल है। इस पूरे ब्रैकेट पर चार्ज, इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर चार्ज ज़ीरो है। तो नाउ जब इस पूरे ब्रैकेट पर चार्ज ज़ीरो है तो प्लेटिनम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए? सो मेंशन द ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरो अगर सिंगल होगा तो उस पर चार्ज होगा माइनस वन, और अगर फोर होंगे तो उस पर तो क्या चार्ज होगा, माइनस का फोर। NH3 एक इनऑर्गेनिक और न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पर चार्ज होगा ज़ीरो। तो प्लेटिनम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे पुट करेंगे जिससे आंसर क्या आए, ज़ीरो आए, क्योंकि इस पूरे ब्रैकेट पे चार्ज ज़ीरो है। सो प्लस फोर इज़ द राइट आंसर। अगर हम प्लस फोर इधर पुट करेंगे तो माइनस फोर कैंसिल हो जाएगा, प्लस फोर माइनस फोर, और आंसर क्या आएगा, पूरे कॉम्प्लेक्स का ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पर प्लस फोर। तो यहाँ हमने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्लियर की कि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैटायनिक भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज न्यूट्रल, कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स कैटायन भी हो सकता है। आ जाते हैं इस थ्री पर। इसमें हम ये देखें कि अगेन इसमें कैटायन है ये वाला पार्ट, और ये पूरा पार्ट जो होता है ये एनायन है। और क्या इसमें चीज़ न्यू है कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनायन मौजूद है यहाँ। इस वाला ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नंबर वन, इसमें पूरा कॉम्प्लेक्स, उस पर पॉजिटिव चार्ज था, इस पर न्यूट्रल चार्ज था, और इसमें कॉम्प्लेक्स पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। हमने इसका मतलब हमें ये क्लियर हो गया इस स्लाइड नंबर सेवन में कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स जो नेसेसरी पार्ट होता है उसमें कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। कि कॉम्प्लेक्स कैन एग्जिट इन पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स कैन हैव पॉजिटिव चार्ज, कॉम्प्लेक्स कैन हैव न्यूट्रल चार्ज, कॉम्प्लेक्स कैन हैव नेगेटिव चार्ज। आ जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पर। सिंगल पोटेशियम है और ये कैटाइन है और ये एनायन पार्ट है। सिंगल पोटेशियम पर चार्ज होगा प्लस वन, लेकिन कितने हैं, थ्री। तो क्या चार्ज होना चाहिए कैटाइन पर, प्लस थ्री। तो ओबियसली जब इस पे कैटाइन पे प्लस थ्री चार्ज है तो कॉम्प्लेक्स को न्यूट्रल बनाने के लिए इस पूरे होल नेगेटिव पर जो होता है क्या चार्ज होना चाहिए, माइनस का थ्री होना चाहिए। तो जब माइनस थ्री इस पे चार्ज है तो आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, आ जाते हैं डिस्कस करते हैं। साइनोलिगेंड, साइनोलिगेंड इस पे सिंगल होगा तो माइनस वन चार्ज होगा, कितने हैं, सिक्स हैं। तो क्या चार्ज होनी चाहिए, माइनस का सिक्स। तो माइनस का सिक्स चार्ज है तो आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हो कि जिससे आंसर माइनस थ्री आए। तो अगर हम इधर प्लस थ्री पुट करेंगे तो प्लस थ्री माइनस सिक्स का आंसर निकालेंगे, यू गेट द आयरन, यू गेट मीन्स जब आप आयरन प्लस थ्री अगर इधर पुट करें और माइनस सिक्स से आंसर निकालें, माइनस करें उससे, तो आपको माइनस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। तो इस तरह से आयरन पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई है, प्लस थ्री आई है। सो इट इज़ नाउ इस स्लाइड में हमने आज ये क्लियर कर लिया स्लाइड नंबर सेवन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नज़र आ रहा है मेटल, ये वाला मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स होता है ब्रैकेट वाला पार्ट, इस तरह वाला पार्ट, ये जो ब्रैकेट पार्ट हमें नज़र आ रहा है, ये कैटायनिक भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, और ये एनायनिक भी हो सकता है। क्योंकि ये तीन चीज़ें हैं आगे जो रूल समझने में हमें आसानी, हमारे लिए आसानी करेंगे, अगर हमने ये पॉइंट समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, और वो नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा एक पॉइंट और, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अगर हम देखें इसमें कैटाइन पार्ट भी है, एनायन पार्ट भी, जबकि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये पूरा न्यूट्रल है, इसमें कोई कैटाइन एनायन नहीं है। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसमें कैटाइन है और इसमें एनायन है। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो खुद कैटाइन है, यहाँ पर खुद कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, और यहाँ पर खुद कॉम्प्लेक्स एनायन है। नाउ दिस इज़ क्लियर टू यू कि कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स पर चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है, और कॉम्प्लेक्स पर चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। आ जाते हैं अब रूल्स पर। हमने कुछ क्लासिफिकेशन की हुई हैं रूल्स की, कैसे क्लासिफिकेशन की हुई है, ये जो हम रूल देख रहे हैं, रूल नंबर वन, रूल नंबर टू और रूल नंबर थ्री। ये जो रूल्स हैं ये जनरल रूल्स हैं। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कैटाइन होता है, कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होता है, तो तीनों तरह के कॉम्प्लेक्स पर जो होता है ये तीनों रूल्स अप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल हैं वन टू और थ्री रूल्स, आई एम अगेन मेंशन, आई एम अगेन मेक यू
यू कैन से पुट योर कंसंट्रेशन ओवर हियर, कि ये जो थ्री रूल्स हैं, रूल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये जो तीन रूल हैं स्पेसिफिक, ये किसी भी कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई हो सकते हैं। ये अगर हमारा कॉम्प्लेक्स कट आइन है, अगर हमारा कॉम्प्लेक्स एनाइन है या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, ये तीनों पर अप्लाई होंगे। ठीक है, तो उस रूल को समझते हैं। पहला रूल क्या कह रहा है? पहला रूल ये कह रहा है कि सफिक्स ओ एडिड टू द एंड ऑफ द नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड। अब सबसे पहले तो ये कि जो प्रीवियस अभी टेबल गुजरा है उसमें मेंशन था कि कौन सा ऑर्गेनिक है और न्यूट्रल है, कौन सा इनऑर्गेनिक नेगेटिव है, कौन सा इनऑर्गेनिक न्यूट्रल है, तो हमने पहले याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बात की जा रही है? इसमें बात ये की जा रही है कि जो एनायनिक लिगेंड होता है उसके नेम के एंड में हम सफिक्स ओ ऐड करते हैं। जैसे हम इसके आसान से एग्जांपल लें कि ये इसका नाम वैसे होता है ब्रोमाइड। जितने भी नेगेटिव जो होते हैं कि जो एनायन बनते हैं उन सब के साथ आईडी आता है, जैसे ब्लैक ब्रोमाइड, नाइट्राइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड। ठीक है, तो हम तो वैसे इसको ब्रोमाइड लिखते हैं लेकिन यहाँ ब्रोमो लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, नेगेटिव क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव जो होते हैं लिगेंड्स उनके नेम के साथ सफिक्स, नेम के एंड पर जो होता है सफिक्स ओ ऐड होता है। तो ब्रोमाइड में से आईडी रिप्लेस हुआ और ओ आया है तो ये बन गया है ब्रोमो। इसी तरह से फ्लोराइड बन गया है फ्लोरो, ऑक्साइड बन गया है ऑक्सो, हाइड्रोक्साइड बन गया हाइड्रोक्सो, साइनाइड बन गया है साइनो, ऑक्सलेट बन गया ऑक्सलेटो, कार्बोनेट बन गया कार्बोनेटो, एसीटेट बन गया एसीटेटो। क्यों? क्योंकि सफिक्स ओ ऐड करेंगे टू द एंड ऑफ नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड। जितने भी एनायनिक लिगेंड्स होंगे उनके नेम के साथ, नेम के एंड पर जो होता है सफिक्स आएगा। सफिक्स क्या होता है? जो हमेशा लास्ट में आता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। प्रीफिक्स वो आता है जो स्टार्ट में आता है, पहले जो लिखा जाता है। सफिक्स वो होता है जो बाद में लिखा जाता है। तो ये जितने भी इनऑर्गेनिक मीन्स नेगेटिव लिगेंड होंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक नेगेटिव ही लिगेंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक सिर्फ न्यूट्रल था, ऑर्गेनिक लिगेंड सिर्फ न्यूट्रल थे। इनऑर्गेनिक दो टाइप के हैं, एक नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है। तो जो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे उन सब के साथ जो होता है वो सफिक्स ओ ऐड होगा, बिल्कुल इस तरह से। तो हमने ये भी याद रखना होगा इनका स्ट्रक्चर और उनके मीनिंग्स भी याद रखनी, उनकी स्पेलिंग्स भी याद रखनी होंगी कि किसको क्या बोलते हैं। रूल नंबर टू, रूल नंबर टू ये कह रहा है कि जो न्यूट्रल लिगेंड है, अब इस ये जो थे, क्योंकि अभी मैंने अभी मेंशन किया कि इनऑर्गेनिक जो लिगेंड्स हैं वो सिर्फ इनऑर्गेनिक लिगेंड्स नेगेटिव भी हैं न्यूट्रल भी हैं। ठीक है, तो हमने इनऑर्गेनिक नेगेटिव को डिस्कस कर लिया है। अब ये वाला जो रूल टू है ये अप्लाई हो रहा है ऑर्गेनिक न्यूट्रल और इनऑर्गेनिक न्यूट्रल लिगेंड्स के लिए, कि जो न्यूट्रल लिगेंड्स हैं इधर वो ऑर्गेनिक हों या वो इनऑर्गेनिक हों तो उस कंडीशन में उनका नाम चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ नाम चेंज हो गया, ब्रोमाइड से हो गया ब्रोमो, फ्लोराइड से हो गया फ्लोरो, ऑक्साइड से हो गया ऑक्सो, जबकि यहाँ पे नेम चेंज नहीं होंगे अगर इसको हम, ठीक है, कि न्यूट्रल लिगेंड्स आर रिमेन अनचेंज। जैसे ये वाले जो दो लिगेंड हैं ये ऑर्गेनिक न्यूट्रल हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होता है वो ये NH3 से लेके N2 तक ये सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रल हैं, जबकि ये ऑर्गेनिक न्यूट्रल हैं। पायरिडीन और इथाइलिन डायमाइन, तो इसका नाम पायरिडीन है तो इसको पायरिडीन ही बोला जा रहा है, इथाइलिन डायमाइन है ये तो उसको क्या बोला जा रहा है? इथाइलिन डायमाइन ही बोला जा रहा है। कोई इसके नाम के साथ चेंज नहीं हुआ, कोई सफेक्स ऐड नहीं हुआ। अब क्या है, कुछ एक्सेप्शन है कि न्यूट्रल लिगेंड्स आर रिमेन अनचेंज। ओके, न्यूट्रल लिगेंड्स के जो नाम हैं उनके साथ कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। कौन सी एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन आर NH3 और वाटर। ये जो दो एक्सेप्शन हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रल, ये इनकी जो दो एक्सेप्शन है इनके नाम बस चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? NH3 को हम बोलते हैं अमाइन, AMM। यू हैव टू रिमेंबर, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमने अमाइन स्टडी किए थे उसमें सिंगल एम आता था, यहाँ पर कुछ और कंडीशन है। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री के अंदर NH3 का नाम होता है अमाइन AMM। अगर हमने सिंगल एम लिख दिया तो पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो नेम होगा वो गलत हो जाएगा। तो NH3 को कहते हैं AMI यानी अमाइन। यू हैव टू रिमेंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, NH3 को क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। स्पेलिंग AMI यानी अमाइन होती है। और वाटर का नाम वाटर नहीं होता, अक्वा होता है या अको होता है। यहाँ लिखा हुआ है मैंने AQU या अको, वो भी बोल सकते हैं या अक्वा भी बोल सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। तो ये दो वो एक्सेप्शन है न्यूट्रल के अंदर, अगर न्यूट्रल लिगेंड ये दो होंगे तो इनके नाम जो होते हैं वो चेंज होंगे। इसको बोलेंगे अमाइन और इसको बोलेंगे अक्वा या अको बोलेंगे। बाकी जितने भी नेम होंगे वो अनचेंज हैं। नाइट्रोसाइल है तो उसको नाइट्रोसाइल ही बोला जा रहा है, ये कार्बोनाइल है तो इसको कार्बोनाइल ही बोला जा रहा है, ऑक्साइड है तो इसको क्योंकि ऑक्सीजन है तो डाई ऑक्सीजन, डाई नाइट्रोजन बोला जा रहा है, पायरिडीन है तो पायरिडीन,
इथाइलिन डायमाइन है तो इथाइलिन डायमाइन ही बोला जा रहा है। ये हैव टू रिमेंबर वन थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इधर भी अमाइन है। NH3 जो होगा उसके लिए ए डबल एम आई यानी अमाइन होगा, और यहाँ पर क्या है NH2 या NH3 नहीं है, तो ये NH2 अमाइन है तो इसको सिंगल अमाइन, इसमें एम ही सिंगल एम आएगा, सिर्फ जो NH3 वाला अमाइन होगा उसके साथ डबल एम आएगा। तो रूल क्लियर होगा, एनायनिक लिगेंड के साथ जो है वो उनका नाम चेंज होगा, ओ एड होगा, ठीक है, और जो न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे उनके नाम चेंज नहीं होंगे, सिर्फ जो एक्सेप्शन है NH3 और वाटर। और क्योंकि हमने अभी देखा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो मेटल एटम भी होता है, तो उन मेटल एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको हम रोमन नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, हम रोमन नंबर से एक्सप्रेस करेंगे, जैसे हमें नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, इस तरह से रोमन नंबर्स में जो होता है वो एक्सप्रेस की जाएंगी ब्रैकेट लगा के। अगर हमने 1, 2, 3 लिख दिया वो अगेन गलत हो जाएगा, यू हैव टू रिमेंबर। तो ये जनरल रूल्स थे, तीन रूल्स थे जो जनरल हैं, कॉम्प्लेक्स आपका कैटाइन हो, कॉम्प्लेक्स एनाइन हो या कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो, ये तीनों पर अप्लाई होंगे, तो वो रूल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। उसके बाद कुछ रूल्स हैं जो स्पेसिफिक हैं, ठीक है, तो अब हम उनको जो होता है वो अब डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि स्लाइड में अगर हम ये देखें कि कॉम्प्लेक्स जो है वही जो हमने अभी प्रीवियस जो पॉइंट हमने क्लियर करके आ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। पहला कॉम्प्लेक्स अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, ये वाला न्यूट्रल है और ये वाला नेगेटिव है। तो इस तरह के अगर तीनों कॉम्प्लेक्स हों तो उन पर वो जो अभी प्रीवियस रूल हम डिस्कस करके आए, ठीक है, वो तमाम अप्लाई होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे रूल हैं जो स्पेसिफिक हैं, वो सिर्फ कोई होगा जो सिर्फ कैटाइन कॉम्प्लेक्स पर अप्लाई हो सकता है, कोई न्यूट्रल पर अप्लाई हो सकता है, कोई नेगेटिव पर अप्लाई हो सकता है। तो इसी वजह से ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इन द कॉम्प्लेक्स, अगर हम इस स्लाइड को पढ़ें कि ड्यू टू मल्टीपल चार्ज इन कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पे एक से ज़्यादा चार्ज होने की वजह से, पॉजिटिव नेगेटिव तीन चार्ज होने की वजह से हमने रूल को क्लासीफाई कर लिया। तो प्रीवियस तीन रूल्स थे वो डिस्कस कर लिए, वो जनरल थे। अब ये हम कुछ रूल्स की बात करें जो स्पेसिफिक हैं कि ड्यू टू मल्टीपल चार्ज ऑन द कॉम्प्लेक्स वी कैन क्लासीफाई द रूल एज, हमने क्लासीफाई कर लिया रूल को। एक हेडिंग हमने दी ए ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल एटम, बी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स चार्ज। तो ये जो ए और बी क्लासिफिकेशन में जो रूल्स आएंगे ये स्पेसिफिक होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ए हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल एटम। सो ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल एटम रूल्स क्या होंगे डिस्कस करते हैं। रूल नंबर वन, जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, अगेन कॉम्प्लेक्स एनायन का मतलब है जब कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज होगा तो उसमें ये रूल जो लिखा हुआ है वो अप्लाई होगा। क्या रूल है उसमें लिखा हुआ, और यहाँ पे आई शुड मेंशन कि कॉम्प्लेक्स अगर एनायन होगा तो मेटल एटम का जो नाम है उसमें क्या चेंज आएगा, जो ए जो हमने मेन हेडिंग ये दी हुई है ए ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल एटम, कि मेटल का नाम चेंज होगा या नहीं होगा। यहाँ पे इस पूरी स्लाइड में, स्लाइड नंबर 10 में जो ए पूरा पार्ट है इसमें ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कि मेटल एटम का नाम चेंज होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा, जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, उस कंडीशन में मेटल एटम का जो नाम है वो हम लैटिन लिखेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ द लैटिन नेम ऑफ द मेटल एम इज रिटन विद सफिक्स एट विद ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रोमन। अब इसको समझते हैं, हमें पता है जैसे ये नेम ऑफ द मेटल एटम है आयरन, तो इसका लैटिन नेम होता है फेरम, जहाँ से कॉपर है उसका लैटिन नेम होता है कोपरम, लैट का होता है प्लम्बम। तो रूल क्या कह रहा है कि लैटिन नेम ऑफ मेटल एटम लिखा जाएगा विद एट, जैसे यहाँ पर है आयरन है तो उसका लैटिन नेम है फेरम, तो इसमें यू एम को रिप्लेस किया गया है एट सफिक्स से। कॉपर है तो उसका होता है कुप्रम, तो इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको मेंशन किया गया है, उसको रिप्लेस किया गया है एट से, तो ये हो गया कुपरेट और ये हो गया फेरेट। तो यही रूल नंबर रूल कह रहा है, रूल नंबर वन, कि जब कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो उस कंडीशन में जो मेटल एटम का नाम होगा वो लैटिन लिखा जाएगा, लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा। ये जो नेम्स हैं आयरन का कुप्रम, कॉपर का आयरन का फेरम, कॉपर का कुप्रम, लैट का प्लम्बम, सिल्वर का अर्जेंटम, गोल्ड का ऑरम, टिन का स्टेनम, ये सारे लैटिन नेम हैं।
तो इन लैटिन नेम के साथ हम यू इनके जो लास्ट के नेम्स उनको रिप्लेस करेंगे और एट लिखेंगे इस तरह से। तो यही जो वो रूल है कि लैटिन नेम ऑफ द मेटल एटम इज रिटन विद द सफिक्स एट विद द ऑक्सीडेशन स्टेड इन द रोमन नंबर्स। क्लियर टू यू? रूल नंबर टू, ये रूल था नंबर वन कि कॉम्प्लेक्स जब एनाइन हो, अब कॉम्प्लेक्स कैटाइन हो या न्यूट्रल हो, उस कंडीशन में इंग्लिश नेम ऑफ द मेटल एटम इज रिटन विद द ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रोमन, इंग्लिश नेम लिखा जाए। इंग्लिश नेम कौन सा? इंग्लिश नेम ये वाला है, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, ये इंग्लिश नेम है। तो अगर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटाइन है, उस कंडीशन में जो लैटिन जो है मेटल एटम का नेम होगा वो इंग्लिश नेम लिखा जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स एनायन होता है तो उस कंडीशन में मेटल एटम का नाम हम ये लिखेंगे, दिस वन, ओरेट, स्टेनेट, प्लम्बेट, कुप्रेट एंड पेरेट। क्लियर टू यू? यहाँ पे स्लाइड नंबर 10 में ये बात हो रही है कि मेटल एटम के नेम में क्या चेंज आएंगी, ठीक है। तो नॉट इज क्लियर टू यू कि कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज है उसकी बेसिस पे रूल डिफरेंट हो रहा है कि जब नेगेटिव चार्ज है तो मेटल एटम का नाम लेटल में लिखा जा रहा है वो सफिक्स एट, और जब न्यूट्रल या उस पर कैटायनिक चार्ज है, वो कैटायन है मेटल कॉम्प्लेक्स, तो उसमें उस इंग्लिश नेम लिखा जा रहा है मेटल एटम का। अब दो बेसिस पे क्लासिफिकेशन की थी ऑन द बेसिस ऑफ मेटल एटम जो हमने डिस्कस कर लिया, ये एक अनदर क्लासिफिकेशन है बी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स चार्ज। इसमें कुछ फर्दर रूल्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, ये क्या रूल्स हैं बेसिकली। इसमें लिखा हुआ है व्हेन कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ मेंशन कर दिया कि जब कॉम्प्लेक्स पे जो है वो चार्ज नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो ये तमाम रूल्स उसके लिए अप्लाई होंगे, ये रूल्स जब अप्लाई नहीं होंगे जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो। दिस इज़ आर प्योरली रूल्स अप्लाइड जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव। पहला रूल क्या कह रहा है कि कैटाइन नेम फर्स्ट देन एनायन। अभी थोड़ी देर पहले जो स्लाइड में डिस्कस किया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में दो पार्ट होते हैं, एक कैटाइन होता है एनायन, जैसे सोडियम और क्लोराइड, तो उसमें सोडियम कैटाइन है तो उसको पहले लिखा गया है, क्लोराइड एनायन है तो उसको बाद में लिखा गया, तो नाम बना सोडियम क्लोराइड। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैटाइन का नाम पहले लिखा जाता है, नेम फर्स्ट देन एनायन, एनायन को बाद में लिखते हैं। रूल नंबर टू क्या कह रहा है? रूल नंबर टू इज़ दैट के कॉम्प्लेक्स, अब बात हो रही है स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स की जो ब्रैकेट पार्ट है, और वी नो दैट कॉम्प्लेक्स जो पार्ट होता है वो उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, उसमें एक मेटल एटम होता है और एक उसमें लिगेंड होता है। तो जब कॉम्प्लेक्स का नाम हम जब लिखेंगे, ये रूल स्पेसिफिकली टू रूल में ये बताया जा रहा है कि जब कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स पार्ट का जब हम नाम लिखें तो क्या रूल हो, तो क्योंकि कॉम्प्लेक्स में दो चीज़ें, एक मेटल एटम है और एक लिगेंड है, तो दो चीज़ें आ गई, अब किसका नाम पहले लिखें? तो पहले सबसे पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद हम किसका नाम लिखेंगे? मेटल एटम का। तो इस रूल में ये बताया जा रहा है, डिस्कस करते हैं, इन कॉम्प्लेक्स लिगेंड नेम फर्स्ट देन मेटल एटम, वही बात बताई गई, लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और फिर मेटल एटम का नाम बाद में लिखा जाएगा। अब जिस तरह से ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर होते थे, तो उसमें लाइक अगर हम कोई रेडिकल ले लें, मिथाइल, अगर वो थ्री टाइम्स होता था तो उसके लिए हम फिर उसके नेम को, आयुपिक नेम को लिखने के लिए हम कोई प्रीफिक्स यूज़ कर सकते, जैसे अगर तीन मिथाइल हैं तो वी विल लाइक ट्राईमिथाइल, अगर वो लाइक इथाइल अगर फोर हैं तो वी विल लाइक टेट्राइथाइल। बिल्कुल इसी तरह से लिगेंड अगर एक से ज़्यादा मौजूद है, मोर देन वन है, तो उसके लिए प्रीफिक्स यूज़ होगा। अब प्रीफिक्स जो होता है वो थोड़ा, प्रीफिक्स जो होता है वो डिफरेंट हैं, डिफरेंट लिगेंड के नेचर पर, कैसे? क्योंकि लिगेंड दो तरह के हैं, एक ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और मेटल एटम का नाम बाद में लिखा जाएगा। अब उसके बाद अगर लिगेंड मोर देन वन है तो क्या प्रीफिक्स यूज़ करेंगे? तो जब लिगेंड इनऑर्गेनिक लिगेंड होगा, ठीक है, जैसे फ्लोरो है, साइनो है, तो उसमें डाई ट्राई टेट्रा यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है टेबल में। अगर एक नंबर है, एक लिगेंड है, तो उसके साथ मोनो यूज़ करेंगे, और अगर दो हैं तो उसके साथ डाई, थ्री हैं तो उसके साथ ट्राई यूज़ करेंगे, फोर है तो टेट्रा एंड सो ऑन, फाइव है तो पेंटा, एट है तो ऑक्टा। अगर ऑर्गेनिक लिगेंड हुआ, जैसे पायरिडीन हो गया, इथाइलिन डायमाइन हो गया, तो उसमें ये डाई ट्राई टेट्रा यूज़ नहीं होगा, उसमें यूज़ होगा बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस। जैसे अगर इनऑर्गेनिक लिगेंड होता है तो उसके साथ डाई यूज़ करेंगे,
और अगर वो ऑर्गेनिक होता है तो फिर ब्रैकेट वाला जो प्रीफिक्स है बिस यूज़ किया जाएगा, अगर इनऑर्गेनिक होता है तो ट्राई, और अगर ऑर्गेनिक होता है तो उसके साथ क्या यूज़ किया जाएगा, ट्रस यूज़ किया जाएगा। तो ब्रैकेट वाले लिगेंड जब यूज़ ब्रैकेट वाले प्रीफिक्स जब यूज़ करेंगे जब लिगेंड ऑर्गेनिक होगा, और जब इनऑर्गेनिक होगा तो ये वाले ब्रैकेट से बाहर वाले जो है वो प्रीफिक्स यूज़ किए जाएंगे। तो रूल नंबर टू क्लियर हो गया कि कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का नाम पहले लिखा जाता, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और मेटल एटम का नाम बाद में। अगर लिगेंड एक से ज़्यादा मौजूद है तो प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, और फिर प्रीफिक्स जो है वो डिफरेंट है फॉर ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ द लिगेंड। अगर लिगेंड की इनऑर्गेनिक नेचर है तो डाई ट्राई टेट्रा प्रीफिक्स, और अगर वो ऑर्गेनिक नेचर है तो बिस टेस टेट्राकिस और पेंटाकिस यूज होगा। तो ये टेबल हमने याद करना होगा, ठीक है, इन ऑर्डर टू राइट द आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। रूल नंबर थ्री, रूल नंबर थ्री बिल्कुल इस तरह से कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आईयूपीएसी नेम्स लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो उसमें जब डिफरेंट एक रूल हमने उसमें ये पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस को जो होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब ये कि जब डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट हों एक पेरेंट चेन में, ठीक है, तो डिफरेंट लाइक रेडिकल प्रेजेंट हो डिफरेंट एक चेन में डिफरेंट रेडिकल्स हैं। ये एक रूल था हमारे पास कि जब एक पेरेंट चेन में डिफरेंट रेडिकल्स हों तो नाम किसका पहले लिखा जाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता था। जैसे मिथाइल और इथाइल था तो हम इथाइल को पहले लिखते थे, मिथाइल को बाद में लिखते थे, क्योंकि ई पहले आता है बाद में आता है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही रूल फॉलो होगा कि जब लिगेंड जो है वो डिफरेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिफरेंट प्रेजेंट हैं, उस कंडीशन में जो है हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करनी है, डिफरेंट लिगेंड्स मुराद है कि सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव लिगेंड्स, सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि डिफरेंट लिगेंड्स मुराद यहाँ पर यह है कि जस्ट ओनली लिगेंड्स ऑफ जिसपे सिर्फ नेगेटिव चार्ज हो। तो डिफरेंट लिगेंड्स कैन बी रिटन बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, कि डिफरेंट लिगेंड्स के नाम को जो होता है वो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो होता है वो लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास ओक्सो और एक है साइनो, तो किसको पहले लिखें, और दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो साइनो को पहले लिखा जाएगा फिर ओक्सो को लिखा जाएगा। और इस कंडीशन में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हुए हम प्रीफिक्सेस को इग्नोर कर देंगे। ये बिल्कुल वही सेम रूल है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था कि डाई मिथाइल है और डाई इथाइल है, तो हमने डाई नहीं देखना, सिर्फ इथाइल और मिथाइल को देखना है, प्रीफिक्सेस को भूल जाना है, इग्नोर कर देना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हुए। तो डिफरेंट लिगेंड्स, रूल नंबर थ्री इज़ क्लियर टू यू कि डिफरेंट लिगेंड्स कैन बी रिटन बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड आ जाते हैं दोनों लिगेंड्स पे नेगेटिव चार्ज है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हुए जो पहले आ रहा है अल्फाबेटिकली उसको पहले लिख देंगे, और उसमें प्रीफिक्सेस को इग्नोर करना। रूल नंबर फोर, अब रूल नंबर फोर ये कह रहा है, पहला जो थर्ड रूल था वो अप्लाई हो रहा था कि सिर्फ जब नेगेटिव लिगेंड्स डिफरेंट हों तो उसमें किसको लिखें पहले। रूल नंबर फोर ये बता रहा है कि जब न्यूट्रल और नेगेटिव, यू हैव टू कंसंट्रेट इन दिस रूल। थ्री रूल सिर्फ अप्लाई हो रहा है नेगेटिव लिगेंड्स के लिए जिसमें हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। रूल नंबर फोर ये कह रहा है कि जब न्यूट्रल और नेगेटिव दो तरह के, एक जिसमें न्यूट्रल चार्ज हो जिसमें नेगेटिव चार्ज है, वो लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट हो उस कंडीशन में नेगेटिव लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा और न्यूट्रल लिगेंड का नाम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। सो थर्ड रूल हो रहा है अप्लाई उन लिगेंड पे जिन पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज है, बस वो सिर्फ नेगेटिव है, एनायनिक है। और रूल नंबर फोर अप्लाई हो रहा है कि जब दो लिगेंड न्यूट्रल और नेगेटिव प्रेजेंट हों उस कंडीशन में नेगेटिव को पहले लिखा जाएगा नाम और न्यूट्रल का बाद में लिखा जाएगा। रूल नंबर फाइव, एनायन जो होगा उसके साथ हम सफिक्स यूज़ करेंगे आइड, जैसे क्लोराइड, एड जैसे सल्फेट, जैसे नाइट्राइट,
सफिक्स जो है वो ऐड होंगे। ये लास्ट में जो है वो प्रेजेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के टेबल दिया हुआ है, जिसमें मेंशन किया गया है किसके साथ आइड आता है, किसके साथ एट आता है और किसके साथ आइड आता है, ठीक है। और जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो उसमें इस रूल को, फाइव रूल को जो होता है वो डिस्कस करेंगे कि एनाइन के साथ कैसे आइड और एट और आइड आ रहा है। क्लियर टू यू इन दिस स्लाइड नंबर 11 कि ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स चार्ज, ये जो हमने हेडिंग है इसमें जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो तो उसमें क्या रूल अप्लाई होंगे। ये जितने भी रूल्स हैं सारे 1 से लेके 5 तक, ये अप्लाई जब होंगे जब नेगेटिव और पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा, जब न्यूट्रल होगा तो क्या रूल होगा, अब वो डिस्कस करते हैं। तो व्हेन कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल, अब कॉम्प्लेक्स पे जब न्यूट्रल चार्ज होगा उस कंडीशन में, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल एंड बोथ न्यूट्रल एंड एनायनिक लिगेंड्स आर प्रेजेंट, अब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है और उसमें न्यूट्रल और नेगेटिव लिगेंड अब दोनों प्रेजेंट हैं, तो उस कंडीशन में न्यूट्रल लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और नेगेटिव लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे बाद में लिखेंगे। वहाँ पे जब कॉम्प्लेक्स कैटायनिक था या एनायनिक था तो उसमें ये रूल था कि नेगेटिव और अगर न्यूट्रल लिगेंड दोनों प्रेजेंट है तो नेगेटिव का नाम पहले लिखना है, न्यूट्रल का बाद में लिखना है। अब जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है उस कंडीशन में न्यूट्रल लिगेंड को पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव लिगेंड को बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ रूल्स, कुछ जनरल रूल्स थे जो अप्लाई हो रहे थे कि जब कॉम्प्लेक्स कैटायन हो, एनायन हो या न्यूट्रल हो तो उस कंडीशन में वो तीनों रूल उस पर अप्लाई होंगे। लेकिन कुछ रूल स्पेसिफिक थे जो बाद में डिस्कस किए कि जब कॉम्प्लेक्स कैटायन, एनायन या न्यूट्रल होगा उस कंडीशन में कुछ रूल स्पेसिफिक हैं, वो डिस्कस किए बाद में। अब ये जितने भी रूल्स हैं इनको सम अप करते हैं और कुछ एग्जांपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी रूल डिस्कस किए स्लाइड नंबर 13 के अंदर, जिस तरह से मैथ्स में एक फार्मूला होता है और हम उसको अप्लाई कर देते हैं, तो जो जो रूल्स हमने पढ़े उनको हम एक फार्मूलाज के फॉर्म में जो होता है वो लिख सकते हैं। और ये फार्मूलाज जब भी याद होंगे, जब वो प्रीवियस हिस्ट्री पता होगी, प्रीवियस रूल्स की हिस्ट्री पता होगी, तो उनको, उन रूल्स को अगर हम एक फार्मूला के फॉर्म में देते हैं, में शेप में लिखें, तो वो इस तरह से फार्मूलाज बनेंगे। डिस्कस करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स जो है वो एनायन होगा, जब कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज होगा, तो एक तो जनरल रूल है कि कैटायन का नाम पहले लिखा जाएगा एनायन का नाम, तो नेम ऑफ कैटायन लिखेंगे। अच्छा, वन थिंग मोर, कैटायन का नाम लिखने के बाद स्पेस आता है और इसके बाद एनायन लिखा जाता है, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर। तो यहाँ पे ये जो नेम ऑफ कैटायन और ये बीच में स्पेस नज़र आ रही है, तो इंडिकेट कर रहा है कि कैटायन का नाम लिखने के बाद एक स्पेस देनी है, फिर एनायन का नाम पूरा लिखना है। तो यहाँ ये पूरा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में मेटल लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा, तो प्रीफिक्स विद द नेम ऑफ द लिगेंड, लिगेंड का नाम साथ में उसके प्रीफिक्स। प्लस का मतलब ये नहीं है कि फार्मूला जो है वो प्लस आएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयोपिक नेम लिखेंगे तो प्लस का मतलब यहाँ पर ये है कि मीन्स के लिगेंड के बाद मेटल एटम लिखना है, देर इज़ नो प्लस और माइनस इन राइटिंग द आयोपिक नेम्स ऑफ द कंपाउंड। नेम ऑफ द लिगेंड, कैटायन लिखा, स्पेस दिया, लिगेंड का नाम लिखा, साथ में उसका प्रीफिक्स लिखा अगर वो एक मोर देन वन है, साथ में मेटल का लैटिन नेम लिखना है विद एट, फिर कोई स्पेस नहीं है, ब्रैकेट के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में मेंशन करना है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हमने लिख लिया। उसके बाद जब कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा, जब कॉम्प्लेक्स कैटायन होगा तो पहले कैटायन का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स कैटायन है और तो मतलब है लिगेंड, फिर मेटल एटम का नाम आएगा, तो प्रीफिक्स विद द नेम ऑफ द लिगेंड, फिर मेटल का इंग्लिश नेम, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, फिर स्पेस आएगी क्योंकि अब कैटायन का नाम पूरा लिख चुके हैं, स्पेस, फिर नेम ऑफ एनायन आएगा। जो रूल नंबर 5 था जो हम ये कह रहे थे कि एनायन के साथ सफिक्स ऐड करेंगे, एट, आइड, या आइड, ये वो है नेम ऑफ एनायन, साथ में उसके आइड, एट या फिर आइट लिखा जाएगा, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल जब होगा तो उस, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो उसमें ना तो कोई कैटायन है ना कोई एनायन है, तो ये पूरा एक ही जो होता रूल है, न्यूट्रल लिगेंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर नेगेटिव लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, साथ में मेटल का इंग्लिश नेम नाम लिखा जाएगा और ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में मेंशन कर दी जाएगी, दैट्स इट। तो ये वो रूल्स हैं सारे जो हमने इंडिविजुअल पहले स्टडी किए और फिर उनको समराइज कर दिया और एक उनको फार्मूला की शेप दे दी। अब यही रूल हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो हैं उनकी एग्जांपल उस पर अप्लाई करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं हाउ वी कैन राइट द आयोपिक नेम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
नाउ इसमें डिवीजन है कि कॉम्प्लेक्स, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज कैटायन, व्हेन कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल एंड व्हेन कॉम्प्लेक्स इज नेगेटिव। सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हेन कॉम्प्लेक्स इज कैटायन। अब जब कॉम्प्लेक्स कैटायन है, यू कैन सी हियर, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कॉम्प्लेक्स बेसिकली पॉजिटिव है। अब इसका नाम कैसा लिखा जाएगा? रूल नंबर वन, इसमें यह अप्लाई हो रहा है कि कैटायन का नाम पहले लिखेंगे या एनायन का नाम बाद में। तो कैटायन का नाम पहले लिखा है, स्पेस दिए, यू कैन सी हियर, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक कैटायन का नाम, बीच में स्पेस है, फिर एनायन। कैटायन का नाम लिखते वक्त, कैटायन क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो उसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम पहले लिखा है और फिर मेटल का, और लिगेंड में उसका प्रीफिक्स मेंशन किया। और क्योंकि जो लिगेंड है वो इनऑर्गेनिक है तो यहाँ पर हेक्सा किस नहीं लिखा है, हेक्सा लिखा है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। सो क्या लिखा? हेक्सामाइन। और ये ए डबल एम, एन एच थ्री ए डबल एम है तो लिखा है हेक्सामाइन। फिर लिखा है कोबाल्ट, कोई स्पेस नहीं आएगा, साथ में पूरा नाम लिखेंगे वन वर्ड, हेक्सा, सिर्फ कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस है, हेक्सामाइन कोबाल्ट, ये पूरा लिखा। ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में मेंशन करी रोमन के अंदर, थ्री, फिर स्पेस दिया और फिर क्लोराइड का नाम दिया यहाँ पर। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे आई? क्योंकि ये कैटायन है, ये एनायन है, और एनायन हमारा क्लोराइड है। अगर सिंगल क्लोराइड होता तो उस पर माइनस वन का चार्ज होता, और ये तीन क्लोराइड है तो इसका मतलब माइनस थ्री चार्ज है। तो ओबियसली कॉम्प्लेक्स पे जो चार्ज, जो कैटायन है उस पर चार्ज होना चाहिए प्लस थ्री इन ऑर्डर टू मेक द होल कंपाउंड न्यूट्रल, तो प्लस थ्री। तो जब प्लस थ्री पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? अब नाउ अमाइन न्यूट्रल है, NH3, ठीक है, NH3 जब न्यूट्रल है तो कोबाल्ट की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट हम मेंशन करें कि आंसर इस पूरे कॉम्प्लेक्स कैटायन का प्लस थ्री आए? तो ओबियसली प्लस थ्री आएगा। तो इस तरह से प्लस थ्री आया। एक चीज़ इसमें ज़रूर हमने ये देखनी है कि क्लोराइड तो तीन थे, हमने यहाँ पे तो सिर्फ क्लोराइड लिखा है, ट्राई नहीं लिखा। उसका रीज़न ये है कि जो चीज़ कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होगी, इनसाइड कॉम्प्लेक्स, उसके साथ हम प्रीफिक्स मेंशन करेंगे, जो ब्रैकेट पार्ट में नहीं होगी तो उसका हम प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे। जैसे ये क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर है तो सिर्फ क्लोराइड लिखा है, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखा है। यू हैव टू रिमेंबर द रूल्स। उसके बाद आ जाए नंबर टू, इस कंपाउंड अगेन इसमें कॉम्प्लेक्स कैटाइन है तो वो हमारे माइंड में सारे रूल्स आ जाएँ कि जब कॉम्प्लेक्स कैटाइन होता है तो क्या क्या रूल अप्लाई होता है। ई एन इथाइलिन डायमाइन है और ये ऑर्गेनिक है तो लिगेंड का नाम लिखेंगे तो ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रस यूज़ लिखेंगे। ट्रस लिखा ये क्योंकि बड़ा नाम है तो इस वजह से इसको जो होता है वो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वरना लिगेंड के नाम ब्रैकेट में नहीं लिखा जाते। इथाइलिन डायमाइन लिखा, फिर कोबाल्ट लिखा, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मेंशन करी रोमन में क्योंकि ये कैटायन था, फिर बीच में स्पेस देनी है, उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। तो ये नाइट्रेट है, जैसे क्लोराइड आईडी सफिक्स आ रहा है एनायन के साथ, आइट इसके साथ एट आ रहा है नाइट्रेट, ठीक है, तो नाइट्रेट लिखा, ट्राई नाइट्रेट नहीं लिखा, सिर्फ नाइट्रेट लिखा। क्यों? क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो इसका प्रीफिक्स नहीं देना है। और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी थ्री कैसे आई? नाइट्रेट के सिंगल की ऑक्सीडेशन स्टेट थी माइनस वन, तो यहाँ पे नाइट्रेट कितने? तीन, तो इसका मतलब एनायन की पूरी ऑक्सीडेशन स्टेट है माइनस थ्री, तो इस पूरे कैटायन की होनी चाहिए प्लस थ्री। तो ई एन जो है वो इथाइलिन डायमाइन न्यूट्रल है तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री होनी चाहिए। क्लियर? आ जाए थ्री, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का कैटायन का नाम पहले लिखेंगे एनायन का बाद में। तो कैटायन के अंदर पूरे कॉम्प्लेक्स में दो जो हैं वो दो तरह के लिगेंड मौजूद हैं, यहाँ पर सिर्फ एक तरह का लिगेंड था, NH3 इसमें ही है। अब इसमें दो लिगेंड मौजूद हैं तो इसमें वो रूल अप्लाई होगा कि जब दो डिफरेंट लिगेंड प्रेजेंट हों तो किसको पहले लिखेंगे। तो नेगेटिव जो लिगेंड होगा उसको पहले लिखा जाएगा, न्यूट्रल को बाद में लिखा जाएगा। Cl क्लोरो एक नेगेटिव लिगेंड है, एनायनिक है, और NH3 जो वो न्यूट्रल है, हालांकि इन दोनों की नेचर इनऑर्गेनिक है, लेकिन इनऑर्गेनिक लिगेंड दो फॉर्म में पाए जाते हैं, एक होते हैं नेगेटिव और एक होते हैं न्यूट्रल। और जब कॉम्प्लेक्स कैटायन होता है, एनायन होता है, उस कंडीशन में नेगेटिव को पहले लिखा जाता है और न्यूट्रल को बाद में। तो पहले क्या लिखेंगे? नेगेटिव। यू विल राइट डाईक्लोरो, दो हैं क्योंकि डाईक्लोरो, और उसके बाद आएगा टेट्रामाइन, टेट्रामाइन, फिर लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है, क्रोमियम के बाद उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर स्पेस आएगा जिसे यहाँ स्पेस दिया हुआ है, देन उसके बाद क्लोराइड अगेन क्योंकि सिंगल क्लोराइड है, सिंगल क्लोराइड आएगा, सिंगल ही लिखना है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है।
ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की थ्री ऐसे आई कि ये जो एनायन है ये सिंगल क्लोराइड है, तो सिंगल जो क्लोराइड होता है तो उस पर जो चार्ज होता है वो माइनस वन होता है, तो कैटाइन पे होनी चाहिए प्लस वन इन ऑर्डर टू मेक द होल कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल, प्लस वन एंड माइनस वन, तो पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज प्लस वन है, तो उसके अकॉर्डिंग क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, लेट्स सी। क्लोराइड पे जो चार्ज है वो माइनस वन होता है सिंगल, अब ये कितने प्रेजेंट हैं, दो, तो उस पर टोटल चार्ज क्या होगा, माइनस का टू, और अमाइन क्योंकि न्यूट्रल है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, तो माइनस टू है इधर, तो क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन पुट करें कि आंसर प्लस वन आए, तो थ्री अगर हम इधर पुट करें प्लस थ्री, तो प्लस थ्री में से माइनस टू जाएगा तो आंसर आएगा प्लस वन, तो इस तरह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है प्लस थ्री। उसके बाद आ जाते हैं कि जब कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा तो उस कंडीशन में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी मेटल एटम पर, और किस तरह से जो होता है वो नेम लिखा जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है और हम देख सकते हैं कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स में दो तरह के लिगेंड मौजूद हैं, एक नेगेटिव लिगेंड है और एक न्यूट्रल लिगेंड है, हालांकि दोनों की नेचर इनऑर्गेनिक है, लेकिन इनऑर्गेनिक दो टाइप के होते हैं, अगेन एक न्यूट्रल होता है एक नेगेटिव होता है, तो इसमें रूल अप्लाई होगा, क्या रूल अप्लाई होगा कि ये रूल अप्लाई होगा कि जब न्यूट्रल लिगेंड्स हो और उस कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो और उसमें दो लिगेंड मौजूद हों न्यूट्रल और नेगेटिव, उस कंडीशन में न्यूट्रल का नाम पहले लिखा जाएगा और नेगेटिव का नाम बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव लिगेंड है और ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल का नाम पहले लिखेंगे, अब लिखेंगे ट्राइमाइन, उसके बाद ट्राई नाइट्रो, और NO2 का नाम नाइट्रो है, ट्राई नाइट्रो, और फिर कोबाल्ट, और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन कर दी, क्योंकि ये कोई यहाँ पे कोई कैटायन एनायन नहीं था, तो पूरा ये वन वर्ड रहेगा नाम। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की थ्री ऐसे आई कि इसके क्योंकि कॉम्प्लेक्स पूरे उस पर न्यूट्रल चार्ज है, नाइट्रो सिंगल होता है तो उसका चार्ज होता है माइनस वन, तो कितना है यहाँ पे थ्री, तो टोटल चार्ज होगा इस पर माइनस थ्री, और अमाइन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो है, तो क्या ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करें कोबाल्ट की कि आंसर जीरो है, तो अगर प्लस थ्री अगर हम इधर कर दें तो प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल होंगे और पूरे कॉम्प्लेक्स का आंसर आएगा जीरो। अब जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तो उसमें क्या रूल अप्लाई होगा, वो जितने भी रूल्स हैं उनको अप्लाई कर देंगे। ये कैटाइन है और ये पूरा पार्ट एनायन है, कैटाइन का नाम पहले लिखा जाएगा पोटेशियम, फिर दिया जाएगा स्पेस, और फिर लिखा जाएगा एनायन का नाम, क्योंकि जो कैटाइन है वो फोर है, पोटेशियम फोर है, लेकिन ये विदाउट ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ पर लिखेंगे नहीं टेट्रा पोटेशियम, वी विल जस्ट राइट पोटेशियम, जो ब्रैकेट से बाहर जो भी चीज़ होती है उसका प्रीफिक्स नहीं मेंशन किया जाता, तो इधर लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स पर आ जाएं, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले यहाँ लिखेंगे साइनो, और सिक्स हैं तो लिखेंगे हेक्सा साइनो, और यहाँ पर मेटल एटम है तो उसका नाम आयरन नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि जब नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होगा उस कंडीशन में मेटल का लैटिन नेम लिखा जाता है विद सफिक्स एट, तो यहाँ पर फेरेट लिखा जाएगा, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी टू आएगी, टू कैसे आएगी, पोटेशियम पे प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स की नेगेटिव जो है वो उस पर होनी चाहिए माइनस फोर, ताकि माइनस फोर और प्लस फोर क्या हो जाए अपने पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या बना लें, न्यूट्रल बना लें। तो माइनस फोर है तो आयरन की क्या होनी चाहिए, साइनाइड सिंगल होगा तो माइनस वन, कितने साइनाइड है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स जो है वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या ऐसी ऑक्सीडेशन स्टेट हो आयरन की कि आंसर इसका माइनस फोर आए, तो आयरन की होनी चाहिए टू, क्योंकि प्लस टू और माइनस सिक्स यू गेट द आंसर माइनस फोर, तो इन दिस वे आयरन की होनी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे टू। सो जितने भी रूल्स थे सारे उनको पहले स्टडी किया वन बाय वन इंडिविजुअली, उनको समझा, फिर उनके फार्मूलाज बनाए, और उनके फार्मूलाज बना के इन कॉम्प्लेक्स में उनको हमने जो होता है वो अप्लाई कर दिया। सो इन दिस वे यू कैन प्रैक्टिस मोर, फर्स्ट अंडरस्टैंड द रूल्स, लर्न द टेबल, अंडरस्टैंड द रूल देन, एंड देन लर्न द फार्मूलाज, अगर रूल्स याद हो गए तो फार्मूलाज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, जस्ट फॉर टू मेक यू प्रोवाइड यू इजीनेस आई हैव जस्ट मेक द फार्मूलाज, तो उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे तो इजीली हम जो होता है वो आईयूपीएसी नेम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिख सकते हैं। और रूल को समझने से पहले टेबल ज़रूर पता होना चाहिए कि जो प्रीवियसली स्लाइड में शो किया है कि कौन से लिगेंड है, उनका क्या नाम है, किसके साथ क्या चेंज है, सो दैट्स ऑल अबाउट। सो यू कैन मेक मोर प्रैक्टिस बाय
practicing more past paper and go through a different website and write the name of the different complex compound. So ये अगर हम slide देखें तो इस slide के अंदर जो है वो सिर्फ ये बताया गया है, जो एक rule था कि suffix के साथ जो होता है वो iodate और iodide आता है. तो जिस तरह से हम ये देखें nitrate है, तो ये हम आपको पता होना चाहिए कि NO3-1 का नाम nitrate होता है. NO2 अगर होगा तो उसका नाम नाइट्रेट नहीं होगा बल्कि नाइट्राइट होगा. तो दिस इज़ द डिफरेंस. एक नाइट्रेट में NO3-1, नाइट्रेट में नाइट्राइट में NO2 आता है. OH-1 का नाम हाइड्रोक्साइड है, CN-1 का नाम साइनाइड है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैसे ये है कार्बोनेट CO3-2. इस पर क्या चार्ज है, क्योंकि अगर चार्जेस पता होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनायन आ गया और अगर हमें कार्बोनेट का चार्ज नहीं पता तो हम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख ही नहीं सकते. कार्बोनेट पे चार्ज होती है -2 और उसको इस तरह से लिखा जाता है. सल्फेट पे -2 चार्ज होती है सल्फेट, और इस तरह से अच्छा ये सल्फेट है SO4-2, जबकि सल्फाइड क्या है SO3-2 है. यू कैन सी दिस इज़ द डिफरेंस. तो दिस कैन बी कन्फ्यूज यू, सल्फाइड सल्फेट नाइट्रेट नाइट्राइट. फॉस्फेट पे चार्ज -3 होती है, PO4-3 लिखा जाता है, फॉस्फाइड PO3-3 हो जाता है. दिस इज़ द डिफरेंस. एंड अगर हम देखें यहाँ पे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही थे जो हमने डिस्कस किए. एसीटेट इम्पॉर्टेंट है और बायकार्बोनेट भी इम्पॉर्टेंट है. बायकार्बोनेट SO3-1 एसीटेट है ये, ठीक है. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैन यू हैव टू रिमेंबर कि किसके साथ ए टाइट आता. लास्ट की स्लाइड है, इसमें से भी बताया गया है कि एलिमेंट के क्या जो है वो उनके सिंबल होते हैं और उनके क्या जो होते हैं वो लैटिन नेम होते हैं, ठीक है. सो दिस इज़ अगेन फॉर योर रिविजन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल. अगर हमें ये नहीं पता होंगे तो हम कंपाउंड के नेम नहीं लिख सकते. एंटीमनी का स्टीबियम होगा तो 8 इसके साथ ऐड करेंगे तो स्टीबेट हो जाएगा. कॉपर का कुप्रम है तो कुपरेट हो जाएगा, जो हमने थोड़ी देर पहले स्टडी किया. तो अगर लैटिन नेम पता होंगे तो UM को रिप्लेस करके जो होता है वो 8 ऐड करेंगे. सो टेबल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वे, दिस ऑल अबाउट यू कैन से द लेक्चर हाउ टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. फर्स्ट रिमेंबर द टेबल्स, फर्स्ट यू गो थ्रू द बेसिक, देन रिमेंबर ऑल द टेबल कि कौन सा नेगेटिव है, कौन सा न्यूट्रल है, किस पर क्या चार्ज मौजूद है, कौन सा ऑर्गेनिक लिगेंड है. उसके बाद रूल्स याद करने होंगे और उन रूल्स को फिर अप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यू कैन से उसको अप्लाई करेंगे उन तमाम रूल्स को. तो देन वी कैन प्रैक्टिस दी प्रैक्टिस हाउ टू राइट द IUPAC नेम्स ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. थैंक यू सो मच.